आप क्यों इतना करते हैं लेट? आई एम लाइव, क्या बात है। गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप सब? सरिता, बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपने कैरियर पॉइंट जो चैनल है उसको चुना है अपने पढ़ाई के साथी के रूप में। साक्षी जा, हाय। ब्यूटी शुक्ला, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मोहम्मद खालिद, कैसे हैं? तनु तोमर, रोहित शर्मा, कीर्ति राजपूत, सब बढ़िया होंगे। तो आज ये पहली स्लाइड मैंने खोल रखी है क्योंकि आज मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि ये चैप्टर खत्म किया जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनिता चौधरी, आप सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब हमारा वही बायो वाला लेक्चर जो कल छूट गया था हमारा, क्रैप साइकिल। ठीक है ना अमित विश्वास? तो क्रैप साइकिल कल जो हमारा छूट गया था कि भाई क्रैप साइकिल क्लियर नहीं दिख रहा था कल, मेरे हिसाब से आज शायद वो प्रॉब्लम नहीं है। अब आज बिल्कुल क्लियर क्लियर और साफ 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 दिख रहा होगा क्या है और क्या नहीं है। ओके, सबको दिख रहा है ना आज? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्रैप साइकिल को। देखो ये बड़ी मेहनत से बनाई हुई एक साइकिल है, इसके अंदर कुछ चीजें ऐड की गई है, वो जो चीजें हैं उनका भी भाई इंपॉर्टेंस है अपने आप में, है ना? बिल्कुल। तो मैं एक एक चीज के बारे में वापस बात स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बच्चों पाइरुविक एसिड से। ये पाइरुविक एसिड था 3 कार्बन का। ये पाइरुविक एसिड के बारे में सारे आ जाओ, प्रियंका राय, बिल्कुल। ये प्रियंका राय जैसे ही तो बच्चे हैं जिनके कारण भाई मैं यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ा पाता हूँ, है ना? क्षितिज पॉल, सही बात है गलत है? आकांक्षा, राइट, बिल्कुल। अंकित, मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, ज्यादा बढ़िया नहीं हूँ यार, लेकिन ठीक है, चल रहा है। शर्वन कुमार, क्या बात है। तो स्टार्ट करें। माधवी गुप्ता, क्या मैं 2 मिनट से ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा, चैप्टर छूट जाएगा ना। इट्स माय फर्स्ट टाइम हियर। शिवम, बिल्कुल बिल्कुल बधाई हो और आप बधाई के पात्र रहेंगे, आप यहाँ पे जुड़े, बहुत खुशी हुई आपको देख के। आप कितने दिन तक जुड़े रहते हैं ये देखने की बात होगी। ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 23 जने आ चुके हैं। तो देखिए पाइरुविक एसिड यहां पे 3 कार्बन का पाइरुविक एसिड है, ये जुड़ता है 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम ए से और उसके बाद बनाता है सिट्रिक एसिड। दिख गया ये सिट्रिक एसिड? तो ध्यान से 3, 4, 5 और यहां पे एक, इधर देखो। ठीक है, ये देखिए ये जुड़ा और इससे ये, सॉरी, 3 जो कार्बन का पाइरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हुआ था एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में और इस एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में जुड़ा है 4 कार्बन का ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, 4 और 2 6 और ये देखिए यहां पे बना दिया इसने सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद में बस आपको जो मैं बताऊं बस उतना ही याद रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ ये, ठीक है बच्चों, ये भी 6 कार्बन का है, दिख रहा है। और नेक्स्ट सिस एकोनिटिक एसिड आगे जाके और कन्वर्ट हुआ और किसमें हुआ, आइसोसिट्रिक एसिड में, ये भी कितने का है, 6 कार्बन का है। क्या यहां तक समझ में आ गई कहानी, है ना? अभी ये कैसे, अरे वो दूसरे स्टूडियो में मैं लाइव आ गया हूं आज इसीलिए। चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। मनीष कुशवाहा, सबको हल्ला करके फटाफट बुला लो भाई, ठीक है। तो मैं ये क्या बता रहा हूं, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम ए के, दिस वन इज द फर्स्ट रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। इसके 4 कार्बन का ये जुड़ के इसके साथ जुड़ेगा और 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाता है। सिट्रिक एसिड जो है ना उजाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड में, वो भी 6 कार्बन का, और सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 6 कार्बन का। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद रखनी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है ना बच्चों, वो सिर्फ ये रखनी है नाम। इसलिए मैं देखो कितनी जल्दी चला, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, जो मैं ये सर्किट ये कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है, एसिटिल कोएंजाइम ए से जुड़ा और बना दिया सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ने क्या बनाया, सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड क्या बनाया, आइसोसिट्रिक एसिड। अब यहां से सारा खेल चालू होगा आइसोसिट्रिक एसिड से, बस यहीं पे सारा सस्पेंस है बच्चों, आइसोसिट्रिक एसिड वाला तगड़ा सस्पेंस है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहां से, चलिए आगे यदि मैं बात करूं तो आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्सेलो सक्सिनिक एसिड में। जब आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सेलो सक्सिनिक एसिड में, ठीक है, जब हमने क्या कहा, आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सेलो सक्सिनिक एसिड में,
तो यहाँ पे सस्पेंस है, गुड इवनिंग ऑल, यहाँ पे सस्पेंस है कि यहाँ पे एनएडी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनएडीएच2 में, तो पहली बार एनर्जी यहां बन रही है अभी तक जितनी भी स्टेप देखी हमने। ओके, दूसरी चीज मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे देखो आपको, यहां पे जो एंजाइम है उसका नाम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, नाम का ध्यान रखना भाई, बस छोटा सा नाम ध्यान रखना, इसका रीजन है मनीष कुशवाहा, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में इसका रीजन। तो हमने देखा ऑक्सलो एसिटिक एसिड, जो भी अभी मैथ्स की क्लास नहीं होगी लेना, एक्चुअली सर की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है इसलिए आज मैथ्स की क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, ये सभी को इन्फॉर्म कर देना। लियोना स्टार तुम्हारा नाम था, नाम भूल गया मैं शायद तुम्हारा। चलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे मैथ्स क्लासेस इज कैंसल्ड, आ गया है करियर पॉइंट की तरफ से, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑक्सलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ सिस सकोनिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रिक एसिड, यहां से इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गई, आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड में, NADH2 का फॉर्मेशन हुआ, साथ में आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, इसका ध्यान रखना भाई, डीहाइड्रोजिनेज है ना, ये शब्द का ध्यान रखना। आगे ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, ये देखो अब यहां पे 6 कार्बन का था बच्चों, ये ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का था, अब ये जो 6 कार्बन का था इसमें से निकल गई एक CO2, ये निकल गई ना यहां पे CO2 निकल गई, जब CO2 निकल गई तो डी कार्बोक्सिलेशन हुआ और इससे बना 5 कार्बन का, ये 5 कार्बन का है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ओके डन, तो देखिए यहां पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक जो एसिड है ना, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम का ध्यान रखना, मैंने आपको अभी तक दो नाम याद करने के लिए बोला है, एक तो डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये जो पूरी जो क्रैब साइकिल है ना, इस पूरे क्रैब साइकिल में 4 बार डीहाइड्रोजिनेशन होगा और 2 बार, 4 बार तो क्या होगा, शनाया या शनाया, ओके बाय, तो हम ये बोल रहे हैं 4 बार तो क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेशन होगा और 2 बार बच्चों यहां पे होगा डीकार्बोक्सिलेशन। तो अभी मैं एक एक बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी एक एक चीज के बारे में बता दूंगा। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन गया, ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, ये देखो सक्सिनिल कोएंजाइम में, यहां तक समझ में आ गया, यहां पे वापस क्या निकलेगा, एक CO2 निकलेगा, यहां पे वापस क्या निकलेगा, एक CO2 निकलेगा, ये देखो ये CO2 निकल गया 2 स्टेप में और इससे बनेगा 4 कार्बन का सक्सिनिल कोएंजाइम में, एनर्जी का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मैं कृष्णा अभी बताऊंगा किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले पढ़ तो लें फिर तो क्वेश्चन होंगे ना हमसे। चलिए अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम में जो है ये कन्वर्ट होगा, देखो थायोकाइनेज नाम से एंजाइम है इसलिए हमारे लेने देने का नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि GTP और GDP का फॉर्मेशन होता है और इससे बनाता है सक्सिनिक एसिड, वही 4 कार्बन का। ओके, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट किसमें हो रहा है, फ्यूमेरिक एसिड में, इसके अंदर क्या होगा, FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है ना। फ्यूमेरिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में, 4 कार्बन का चल रहा है अभी है ना, फ्यूमरेज नाम से एंजाइम है, और मैलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्सलो एसिटिक एसिड में, और यहां पे NADH2 का फॉर्मेशन होगा और इसका नाम है मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। मैं आपको इतना तेज क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन बता दूंगा। चलो ये देखो ये साइकिल थी भाई, हमारे मुद्दे की ये चीज थी नहीं, ये तो हमें याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेजेंड बोहिम बोहिम बोहिमिया यार ये क्या नाम है यार, प्लीज चेंज इट, कैसे चलेगा भैया ऐसा है, कैसे चलेगा भैया ऐसा, बोहिम नाम क्यों रख के आ जाते हो आप, है ना। डॉक्टर जे भी पधार चुके हैं हमारे, दीपक वर्मा PCM भी आ चुके हैं, सर मैथ्स की क्लास नहीं होगी दीपक जी। चलिए तो मैं अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज, एक तो आपको ये याद रखना है ऑक्सलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड और ऑक्सलो एसिटिक एसिड। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, वो है एक मेरा पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरा, एक ऐसा एंजाइम है जो मैट्रिक्स में मिलता ही नहीं है, एक ऐसा एंजाइम है जो मैट्रिक्स में मिलता नहीं है, वो तो मेम्ब्रेन पे मिल रहा है, कौन सी मेम्ब्रेन पे, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड में वो एंजाइम मिल रहा है। अब आप मुझे बताइए कि वो एंजाइम का नाम क्या है, फटाफट, अरे जल्दी बताओ यार,
अरे रैपर तो है लेकिन यहाँ रैपर की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र शर्मा बहुत अच्छा बेटा आपने ज्वाइन किया, वेरी गुड सर। प्लीज स्टेप लिख दीजिए ना रिएक्शन के, लिखे हुए ये और क्या, हाथ से और कैसे लिखूं। आदिब बच्चे ये याद करने एज इट इज, ये आपको इसको मैंने कई सारे उसमें दे रखा है, अब इसका इसके बाद कौन सा हर्ष बाद में बात करेंगे। चलिए तो हम बात कर रहे हैं यहां पे एक ऐसा एंजाइम है जो कि इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड में प्रेजेंट है, वो मैट्रिक्स में नहीं है। वो कौन सा है, वो कौन सा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, बिल्कुल। इसका पीडीएफ मिल जाएगा कीर्ति। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, इधर देखिए, एक तो ये याद रखना है, ये स्टेप ध्यान रखना किस स्टेप में काम में आ रहा है। ओके बच्चों, अब देखो चार बार डिहाइड्रोजिनेशन होगा, कितनी बार? चार बार। देखो एक तो एंजाइम का नाम ये याद रखना था, दूसरा चार बार जो डिहाइड्रोजिनेशन होगा, एक बार तो ये हुआ दिख गया होगा आपको, दूसरी बार ये हुआ दिख गया आपको, तीसरी बार ये हुआ और चौथी बार ये हुआ। चार बार डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, ठीक है। अब दो बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, चलिए डिकार्बोक्सिलेशन के लिए हम एक और चीज यूज करते हैं। चार बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो देखिए एक बार डिकार्बोक्सिलेशन यहां हुआ और एक बार डिकार्बोक्सिलेशन ये रहा यहां हुआ। समझ में आ गया ना आपको? स्टेप अभी इसमें ये नहीं बताऊंगा, बिल्कुल एज इट इज रखना है आपको। शॉर्टकट आगे आपको मिल जाएगा याद करने का कि कौन कौन से स्टेप में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और क्या याद रखना है? और याद रखना है जीटीपी किस स्टेप में बनी है, क्योंकि एक सिंगल स्टेप है ये वाली, ये जो स्टेप है ना, ये सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हुआ है इसमें, ठीक है ना बच्चों? ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े लोग हुए, उन्होंने बहुत मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया है। कोई ऐसा नहीं था, गुंडागर्दी करने के लिए भी भाई मेहनत करनी पड़ती है, तो वो एक ऐसा ही काम माना जाता है जो इजिली हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना ये वाली स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ये भी आपको याद करनी है। और आपको ये देखो FADH2, ये एक सिंगल ऐसी रिएक्शन है जिसमें FADH2 बन रहा है, ये भी आपको याद रखनी है कौन सी रिएक्शन में FADH2 बन रहा है। बाकी NADH है ना, NADH2, इशिता वेरी गुड, अनीता ओके, NADH2, NADH2, ये भी आपको याद रखना है किस किस स्टेप में बन रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यहां पे एक बारी जीटीपी बन रही है। क्या ये क्लियर है? क्या ये आपको समझ में आ गया जो मैंने समझाया है? भाई रिएक्शन तो याद करनी पड़ेगी बच्चों, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओनली 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इन ए क्रैब साइकिल, बिल्कुल ओके। वो देखो उससे पहले 6 था, उसके बाद 4 है। एक बार और कीर्ति, बहुत एक्चुअली ये फिर टाइम लग जाएगा ना, अभी आज ये चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, इससे ज्यादा समझाने वाली चीज आ रही है आगे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये इसका शॉर्टकट था कल जिसके बारे में हमने बात की थी, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। आगे अब इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा हूं। कल देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे ना मेरे से कि एक उसमें कितने किलो जूल है। देखो एक एटीपी में 34 किलो जूल पर मोल, ये पर मोल है भाई, 34 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, टोटल एनर्जी कितनी है? देखो टोटल एनर्जी हमें मिल रही है 38 एटीपी, ठीक है, बिल्कुल इशिता वेरी गुड आइडिया, 38 एटीपी मैक्सिमम बन रहे हैं। अरे वाह मोहम्मद मलिक, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई। और एक ग्लूकोज के अंदर टोटल देखो कितनी एनर्जी स्टोर है, 2870। टोटल एनर्जी एक ग्लूकोज के अंदर कितनी है बच्चों? 2870। और हमारे पास जो 38 एटीपी बन रही है ना, उसमें कितना हमें जो मिलेगा, वो मिलेगा 1292 किलो जूल, ठीक है, 1292 किलो जूल। 2870 टोटल एनर्जी थी, उसमें से हमने कितना निकाला? सिर्फ 1292। इफिशियंसी कितनी आई हमारे सिस्टम की? 45%। सिर्फ ग्लूकोज में से 45% ही एनर्जी हमारा सिस्टम कन्वर्ट कर पाया एटीपी में। अंकित यदि इफिशियंसी हमारी ज्यादा होती है ना बच्चे, तो हमें इतना सा खाना खाना पड़ता और एक महीने तक आराम से काम चलता। इफिशियंसी तो कम है हमारे सिस्टम की, इसीलिए तो ये इफिशियंसी बताई है हम लोगों ने, ठीक है ना बच्चों। चलो अब आगे देखो, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। चलिए बैलेंस शीट के ऊपर मामला आ चुका है, अब थोड़ा सा यहां पे देखेंगे हम। देखो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बने थे, ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बने थे, इसका मतलब कितने एटीपी बन गए इससे? एक से 3 ATP बनते हैं, 3 × 2 = 6 ATP, तो ये बन गए, और 2 ATP ये रहे, 2 ATP ये बन गए, तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनेंगे भाई? 8 ATP बनेंगे, सिंपल सी बात है। ओके वेरी गुड।
दो NADPH2 वही, इससे कितने बनेंगे 6 ATP, ये भी हो गया, ये लिंक रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। एंड सिट्रिक एसिड में 6 NADH2 बने, इसका मतलब इनटू इसको कर दो 3 से 6 18, तो ये हो गया ATP, सही है। 2 FADH2, 1 FADH2 से 2 बनते हैं, तो 2 से कितने हो गए 4, ये बने ATP और 2 ATP ये हैं, तो टोटल ATP कितने बन गए क्रैब साइकिल में 18 और 4 22 24, टोटल ATP यहां पे बन गया 24 ATP। क्या ये बात समझ में आ गई, इजी है ये, तो ये सब हमने आराम से पहले ही रिएक्शंस में देख लिया है। तो टोटल ATP कितना बना 24 + 6 30 और 38, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टाइम लगेगा बस। शटल सिस्टम हमने बात की थी ना बच्चों कि कोई शटल सिस्टम है, अब मैं एक चीज समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग लगा के सुनिए भाई। ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा ना, ये नोट पे देखो यार, नोट अभी यूज नहीं कर रहा मैं, क्योंकि यार नोट ही यूज करना है मुझे। देखो मैं बता रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस, इस ग्लाइकोलाइसिस के एक स्टेप में बने थे 2 NADH2, यही तो बने थे ना बच्चों। इस NADH2 का कन्वर्जन कहां होगा बच्चों, इस NADH2 का कन्वर्जन होगा मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहीं तो होगा मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो सिस्टम है, एक तो है ग्लिस्ट्रॉल 3 फॉस्फेट, ये ग्लिस्ट्रॉल 3 फॉस्फेट एक ATP के ट्रांसपोर्ट में, वो एक NADH2 के ट्रांसपोर्ट में, एक NADH2 के ट्रांसपोर्ट में एक ATP को क्या कर देता है, खर्च कर देता है। यहां पे कितने NADH2 है बच्चों, 2 NADH2 है, इसका मतलब कितने ATP कम हो जाएंगे, 2 ATP कम हो जाएंगे टोटल में से। तो ग्लिस्ट्रॉल 3 फॉस्फेट शटल जो है 2 ATP का लॉस कर देता है, लेकिन मैलेट एस्पार्टेट शटल जो होता है वो किसी तरह की कोई ATP को क्या नहीं करता, कंज्यूम नहीं करता, बिना फ्री में ही वो ट्रांसपोर्ट कर देता है मैट्रिक्स में, बिल्कुल। इसीलिए वहां पे 38 का 38 ATP बनता है, एग्जांपल दे रखा है मैंने, हार्ट और किडनी सेल, और यहां पे फ्लाइट मसल्स और ब्रेन के कुछ सेल्स हैं। चलिए ये भी हो गया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलिए अब ये हमारा आज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भाई, मैं अब आपको सबसे पहले एक चीज समझाऊंगा, है ना, पहले मैं आपको ये बताऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या। ये बिल्कुल देखो, जितनी भी NADH2 बनाए ना, जितना भी NADH2 बनाए बच्चों, जितना भी NADH2 या FADH2 बनाए, वो एनर्जी के रूप में यूज नहीं हो सकता है, उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ATP में, ठीक है। अब ATP में कैसे कन्वर्ट करेगा ये मैं समझाऊंगा अभी, ओके। चलिए तो मैं आपको बताता हूं अभी क्या है सीन। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ना बच्चों, इसके कॉम्प्लेक्स देखो, 4 कॉम्प्लेक्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना, 4 कॉम्प्लेक्स लिखे हुए ना मेरे शेरों। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज, यही तो है NADH डिहाइड्रोजिनेज है पहला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो तो पहला कॉम्प्लेक्स तो हो गया NADH डिहाइड्रोजिनेज, इसका नाम है, है ना, बिल्कुल ये बहुत अच्छा बोला है तनु तोमर ने। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो है सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस, पहला जो एंजाइम है वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा जो एंजाइम है वो है सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है साइटोक्रोम सी रिडक्टेस, साइटोक्रोम सी रिडक्टेस, और चौथा जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब मेरी बात, क्या ये बातें समझ में आ गई आपको? थोड़ा सा एक चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, NCERT में कुछ चेंजेस, ये पॉइंट्स अभी देखेंगे हम, NCERT में कुछ चेंजेस है। अब वो चेंजेस क्या है ये देखो, ये एक नया डायग्राम आया है NCERT में, है ना, वो डायग्राम मैंने अपने हाथ से इस तरह से बना दिया है। तो सबसे पहला NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और लास्ट वाला है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ये नाम है जो NCERT में दे रखे हैं, ये आपको याद रखना है ना, अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं, ओके। अब मैं आपको जब प्रोसेस समझाऊंगा ना, तो उससे पहले आपको एक दो बातें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। ये इसके अंदर ना क्यूनिनोन्स है, जो कि हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये देखो, ये इंग्लिश का हिंदी समझो बस अभी, तो बाकी मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आया हो,
ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, क्यूनिनोल्स जो है ये हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये जो यूबिक्विनिन है ये जब रिड्यूस हो जाएगा तो इसको यूबिक्विनॉल कहेंगे। एनसीईआरटी की बात है भैया ये। जब यूबिक्विनिन क्या हो जाएगा, एक तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ये है, यूबिक्विनॉन जब रिड्यूस हो जाएगा यूबिक्विनॉल बन जाएगा, दूसरा पॉइंट। देखो तीसरा पॉइंट है ये वाला कि एक साइटोक्रोम सी है, ठीक है, इसका क्या पॉइंट याद होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में है बस। और लास्ट है ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये पॉइंट आपको क्या सबको समझ में आ गया, इंग्लिश की हिंदी आ गई क्या? बस मैं तो ये पूछ रहा हूं, समझ में नहीं, इंग्लिश की हिंदी आ गई क्या कि क्यूरिनॉल जो है हाईली मोबाइल है, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दूसरा पॉइंट रिड्यूस यूबिक्विनॉन को यूबिक्विनॉल कहते हैं, रिड्यूस हो जाएगा यूबिक्विनॉल, क्विनॉन जब रिड्यूस हो जाएगा तो यूबिक्विनॉल बन जाएगा, साइटोक्रोम सी 3rd और 4th कॉम्प्लेक्स के बीच में जो कि मोबाइल है, है ना। और लास्ट वाला जो है ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में जो एक्सेप्ट करेगा वो है ऑक्सीजन। बस इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। क्या मैं अब स्टार्ट करूं ये समझाना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? एक तो मैं एक बार ही पढ़ाऊंगा इसको, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए भाई हम बात करते हैं अब नोट पे, आ जाइए। यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलिए ठीक है, अब मैं कैसे समझा रहा हूं वो थोड़ा आपको ध्यान देना है बिल्कुल, ठीक है ना। एक बार भी कोई बच्चे के दिमाग से चीज ना निकले बच्चों, यदि आपके दिमाग से चीज निकल गई तो सब हो जाएगा बर्बाद। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एक लाइन बना रहा हूँ, ये जो लाइन मैंने बनाई है ना बच्चों, ये है आउटर मेम्ब्रेन। किस चीज़ की आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों? ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो मैंने अब बना दी ना, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। कौन सी है बच्चों? ये इनर मेम्ब्रेन। तो हम स्टार्ट करें, चलिए आप मेरी बात सुनिएगा। तो ये तो हो गई कौन सी बच्चों? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल है, सॉरी इसको बिल्कुल बीच में लिखूंगा मैं, ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है इसलिए मैं इसको बीच में लिखूंगा। दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना बच्चों। और ये देखो यहां पे ये लो, ये हो गया। और इसके इधर क्या है कोई मुझे बताएगा? ये क्या है? ये तो सब मैट्रिक्स है। यहां पे क्या है बच्चों? मैट्रिक्स है ये, ये सब मैट्रिक्स है। क्या ये तीन चीजें समझ में आ गई क्या सबको? तीन चीजें समझ में आ गई क्या सबको? तो मैं आगे बढ़ूं फिर, है ना, तीन चीजें आ गई होंगी, इजी है। चलिए अब हम बताते हैं आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसके अंदर ना कुछ कॉम्प्लेक्स है, देखो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ठीक है। क्या बोला बच्चों मैंने? दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड दिस वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या सबको कि ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं? बस यहीं तक देखना है अपने को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं तो पूरा सिस्टम समझा दूंगा इसी डायग्राम में, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे क्या खेल है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है? यहां पे भैया NADH2 पड़ा है बहुत सारा, है या नहीं है? यहां पे चारों तरफ क्या है? NADH2 पड़ा है बहुत सारा, और साथ में क्या है? साथ में है बच्चों FADH2, है ना, या लास्ट में NADH2 FADH2, यही तो बच रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें, यही है। अब भाई होगा क्या कि NADH2 यदि टूटेगा, NADH2 का यदि क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो NADH2 दो चीजों में टूटेगा भाई, एक तो इससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन और एक इससे निकलेगा प्रोटॉन। ये लो, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या क्या निकलेगा बच्चों? शेप तो मैंने ऐसी बना दी है, तुषार सिक्का शेप मैंने ऐसी बना दी है, उसकी टेंशन मत लो तुम, ठीक है ना बच्चा। चलो
तो भाई मैंने ये देखो NADH2 से क्या निकला, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है ना। अब FADH2 से भी ऐसा ही होगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या बच्चों क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा। NADH2 से भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या क्या निकलेगा बच्चों, प्रोटॉन निकलेगा। और NADH2 से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा या निकलेगा बच्चों, प्रोटॉन, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो सबसे पहले तो ये आपको दिमाग में रखना है कि यहां पे सस्पेंस कहां से स्टार्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फर्स्ट वाला, इसके एनर्जी का यूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और चीजों में, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से, इलेक्ट्रॉन ये देखो ये भी क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया और नेक्स्ट वाले पे ट्रांसफर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां जुड़ गया, इस वाले में से यहां गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां जुड़ा, और इस वाले में से लास्ट में एक रिएक्शन में ये हो गया। इसका मतलब कुछ नहीं है, मैं सिर्फ जो बताना चाह रहा हूं वो बात ये है, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होता हुआ कॉम्प्लेक्सों के अंदर से, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, और ऐसे ही यहां तक पहुंच जाएगा। क्या ये समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया। और लास्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास में पहुंच गया है, बस। सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी थे ना, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी के कुछ डिफरेंट है, बिल्कुल प्राची, पुरानी वाली एनसीईआरटी के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, तो ये बता रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे ना वो घूम घूम के आ गए लास्ट में, और लास्ट में कहां पे पहुंच गए, बस चौथे पे पहुंच गए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है एक, ठीक है। अब सवाल ये उठता है इनकी, जो भाई इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन के बाद में एनर्जी होगी ना इस इलेक्ट्रॉन में, इसके एनर्जी का किया क्या इन्होंने, सबसे बड़ी बात तो ये कि इसके एनर्जी के इन्होंने क्या किया है, कुछ तो किया होगा एनर्जी का, तो उसके बारे में बता रहा हूं अब मैं। इस एनर्जी का यूज करके इन्होंने पता है एक बहुत बड़ी बात कर दी है, और वो बात क्या की है, इधर देखो ये जो प्रोटॉन थे ना पहले वाले ने कहां पंप कर दिए, देखो जरा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस था उसमें पहले वाले ने कर दिए, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये देखो जरा तीसरे वाले ने भी इस एनर्जी का यूज करके कहां पे प्रोटॉन फेंक दिए, यहां पे फेंक दिए, और चौथे वाले ने भी इस एनर्जी का यूज करके बच्चों प्रोटॉन कहां फेंक दिए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, कहां फेंक दिए, फेंक दिए आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस, ये जो बीच में दोनों के स्पेस था ना इस वाले में, इसमें फेंक दिए साहब। क्या ये समझ में आ गया, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, PMS बिल्कुल ध्यान से सुनो यार, पहले वाले ने क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन, बट सर ऐसे क्यों फेंके, क्योंकि इनको ग्रेडियंट फॉर्मेशन करना है। अब मैं क्यों ये बताता हूं, ये ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, इसकी जो एनर्जी मिली है ना उसका यूज करके प्रोटॉन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक रहा है। कहां से फेंक रहा है, मैट्रिक्स से फेंक रहा है। यार हकीम आगे मत बढ़ो, कितने ATP बनेंगे ये अभी मत पूछो मेरे से अभी, है ना। तो ये देखो पहले ने फेंका, क्या दूसरे ने फेंका है, क्या मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस पहला लिख के आंसर देंगे, क्या पहले वाले ने NADH2 का ऑक्सीडेशन किया और ऑक्सीडेशन करने के बाद प्रोटॉन फेंके, है ना, क्या फेंके, बिल्कुल फेंके। क्या दूसरे वाले ने फेंका, नहीं। क्या तीसरे वाले ने NADH2 का ही फेंका, बिल्कुल। चौथे वाले ने भी NADH2 का फेंका, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। इन सब ने पहले, दूसरे पहले, तीसरे और चौथे ने ही प्रोटॉन फेंके हैं, दूसरे वाले ने प्रोटॉन नहीं फेंके हैं। तो दूसरे वाले ने प्रोटॉन का, प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्मेशन में दूसरे वाले का कोई भी रोल नहीं है। प्रोटॉन का जो ये ग्रेडियंट बन रहा है, यहां पे हाई ग्रेडियंट है, यहां पे लो ग्रेडियंट है, ये जो बन रहा है ना इसके अंदर ध्यान रखना है, इसका कोई भी रोल नहीं है, किसका, सेकंड वाले का। लेकिन क्या क्या बिल्कुल तीसरे वाले ने भी फेंके, चौथे वाले ने फेंके, पहले वाले ने भी फेंके, लेकिन दूसरे वाले ने नहीं फेंके। तो बात ये, दूसरे वाले ने, देखो दूसरे वाले के पास FADH2 से मिल रहा है रिड्यूसिंग पावर, सिर्फ दूसरे वाले को ही FADH2 से मिल रहा है रिड्यूसिंग पावर, बाकी सबके पास NADH2 है। पहली बात तो ये, सिर्फ पहले वाले ने ही, सिर्फ दूसरे वाले के पास ही FADH2 से मिल रहा है, बाकी और किसी के पास नहीं है। वो डायरेक्टली एंजाइम FADH2 वाली रिएक्शन है ना उसके साथ में लिंक्ड है ये, ठीक है ना। ये सेकंड वाला कौन सी रिएक्शन पे, क्रैब साइकिल के साथ में लिंक्ड है, क्रैब साइकिल भी मैट्रिक्स में हो रही है ना, ये उस वाले रिएक्शन के साथ में डायरेक्ट लिंक्ड है,
यहां तक समझ में आ गया? दिस द बिल्कुल आकांक्षा पाल, ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब मैं आगे एक बार दोबारा अब मैं वापस बताऊं अब तक क्या हुआ है ना। अब आगे देखो आप, अब आगे देखो आप, आगे मैं आपको बता रहा हूं कुछ नहीं है इस तरह से। ये तो थी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये थी बच्चों इनर मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना, ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये थी इनर मेम्ब्रेन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, और ये था मैट्रिक्स। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब हुआ क्या है, हुआ ये है, ये तो है आउटर मेम्ब्रेन, ये स्पेस है, अब मेम्ब्रेनस स्पेस, यही तो पढ़ा, ये है इनर मेम्ब्रेन, है ना, और यहां पे था मैट्रिक्स, यही तो हमने पढ़ा था ना बच्चों। इस मैट्रिक्स की कहानी क्या पड़ी है कि यहां पे एक तो कॉम्प्लेक्स है वन, इधर देखो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर वन, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर टू, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री, एंड दिस वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर फोर। यहां तक पढ़ा ना हमने, यही तो पढ़ा है बच्चों। और इसके अंदर क्या पढ़ा अब, अभी क्या, अब ये पढ़ा था हमने कि भाई कॉम्प्लेक्स वन ने क्या किया, प्रोटॉन को पंप कर दिया यहां पे, कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री ने भी प्रोटॉन को क्या कर दिया बच्चों, पंप कर दिया, वापस नहीं आ सकता ये, और फोर ने भी क्या किया बच्चों, प्रोटॉन को पंप किया, क्यों किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी। और ये भी हमने पढ़ लिया यहां पे कि क्या है कहानी, यहां पे तो NADH2 के ऑक्सीडेशन से, सेकेंड वाले के पास में FADH2 के उससे, थर्ड वाले के पास में NADH2 के से, और फोर्थ वाले के पास में NADH2 के से। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे बना हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है, मेम्ब्रेन पूरी क्या है, इंपरमिएबल है, और यहां पे क्या है, लो प्रोटॉन ग्रेडियंट। लेकिन यहां पे एक सस्पेंस है, ये मेम्ब्रेन तो पूरी इंपरमिएबल है प्रोटॉन के लिए, ये तो पंप वाला सिस्टम से ही काम करेगा, तो यहां पे एक और सस्पेंस आया है। क्या सस्पेंस आया है देखो जरा वापस, अब मैं ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे सीधा बताऊंगा। चलिए ये देखो, ये हमारी मेम्ब्रेनस स्पेस है, है ना, चार कॉम्प्लेक्स तो आपने पढ़ी लिए ना, चार थे, यहां पे एक और कॉम्प्लेक्स है बच्चों, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है ये देखो, दिस वन इज F0 F1 कॉम्प्लेक्स, सुना है ना इसके बारे में, F0 F1 कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब टोटल मेम्ब्रेन पे कितने कॉम्प्लेक्स हुए, पांच, वन टू थ्री फोर, और पांचवा कौन सा है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स। और आप लोग, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये जो F1 है इसके साथ में एक एंजाइम है ATP सिंथेज, ये पढ़ा है ना, और ये हमने पढ़ लिया, ये कौन सा है, ये मेम्ब्रेनस स्पेस है ये तो, और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये भी पढ़ लिया हमने, और ये मैट्रिक्स है। तो अब क्या होगा बच्चों, यहां पे तो क्या है, हाई प्रोटॉन है, और यहां पे क्या है, लो प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन हमेशा कहां से कहां जाएगा बच्चों, प्रोटॉन जाएगा हमेशा हाई से लो की तरफ, और जब ये प्रोटॉन जा रहा है तो ये क्या करेगा बच्चों, ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ एडीपी, है ना, लक्ष्य, आई एम गुड लक्ष्य, ये बात समझ में आ गई। तो अब ये कौन सी थ्योरी थी, ये थ्योरी थी बच्चों जो हमने पढ़ी थी, केमीऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, है ना, और बिल्कुल प्राची यू आर राइट, है ना, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल भी कहते हैं, मोरेन और शब्द आता है इसके आगे, लेकिन हमारे लेवल का नहीं, हम नहीं पढ़ते उसको, है ना। तो ये और चीज हमने पढ़ी थी, केमीऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, वही तो है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट और ये सारे कॉम्प्लेक्सेस और ये सब। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, हमने बताया था कि जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ना, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। किस किस के लिए बच्चों, ये एप्लीकेबल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है, और साथ में ये एप्लीकेबल है क्लोरोप्लास्ट के लिए भी, है ना, जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, अब क्या डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूं। यहां पे एक एटीपी कब फॉर्म होगा, जब दो प्रोटॉन पंप हो जाएंगे, दो प्रोटॉन के पंप होने से एक एटीपी बनता है, ठीक है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक एटीपी कब बनेगा, जब तीन प्रोटॉन पंप होंगे, ठीक है। वन एटीपी फॉर्म्ड कब, व्हेन थ्री प्रोटॉन पंप। तो ये डिफरेंस है बेटा दोनों की केमीऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक NADH2 के लिए, एक NADH2 के लिए कितने प्रोटॉन पंप होंगे,
मेरा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक NADH2 है, इससे एटीपी बनेंगे तो कितने प्रोटॉन पंप होंगे? फटाफट आंसर कर दो भाई। एक एटीपी के लिए तो दो पंप होते हैं, तो एक NADH2 में कितनी एटीपी बनेंगे? कितने एटीपी बनेंगे एक NADH2 से? तीन, है ना? तीन एटीपी बनेंगे, लेकिन एक एटीपी के लिए दो है तो तीन एटीपी के लिए कितने होंगे? छह। पता लग गया ना? और यदि बच्चों में पेयर में पूछूं तो कितने पेयर प्रोटॉन पंप होंगे एक NADH2 के लिए? पी लिख के आंसर करना, गलत है तुषार सिक्का। पी लिख के आंसर करना कि कितने पेयर में प्रोटॉन पंप होंगे एक NADH2 के लिए। पेयर पेयर, तीन पेयर, तीन पेयर। आकांक्षा पाल इंटेलिजेंट लड़की, मनीष कुशवाहा इंटेलिजेंट लड़का, आदिप खान मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा, अभिनव मोस्ट इंटेलिजेंट शेर, बाकी सबका भी सही है। आगे थ्योरी इजी है और कुछ नहीं है, बस बस। अब इसको थोड़ा टेक्निकली समझ लें, हम टेक्निकली समझ लें क्या? चलो रे चलो, माँ के द्वारे चलो। अब इधर देखना भाई सभी बच्चे, ये देखो यहाँ पे ये इस तरह से, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ये देखो ये रहा साइटोक्रोम सी, दिख गया? ये मोबाइल है और किसके बीच में है ये देखो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखो फर्स्ट है, फिर थर्ड है, सेकंड नहीं है। क्यों? इस तरह से क्रिस्टल ही होते हैं ना, ठीक है ना? फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट के पास में कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। इसीलिए वन और थ्री के बीच में क्या होता है? इसलिए वन और थ्री के बीच में क्या होता है? वन और टू के बीच में क्या है? थ्री है, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं क्या कह रहा हूं, ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद करनी है। और देखो आप, सेकंड वाले ने कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं किया है, ये सब याद करनी है। और ये ध्यान रखो लास्ट में क्या होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। इधर देखना भाई, ये फोर्थ वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या हुआ? देखो फोर्थ कॉम्प्लेक्स था, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, फोर्थ कॉम्प्लेक्स में एक रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन क्या होगी? ये जो वाटर है ना, ये वाटर देखो इधर, वाटर ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा? ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा बच्चों? वाटर बना देगा ये लास्ट में। तो फाइनल एक्सेप्टर जो हमने पढ़ा था ना हाइड्रोजन का, वो कौन है? देखो वहां पे, क्या ये बात समझ में आ गई है सबको? ये तो आपको याद करना पड़ेगा यार। एक कुछ बातें, अब मैं इसकी कुछ बातें बताने वाला था आपको, वहां उसकी बातें सुनो अब जो मैं इसकी बातें बताने वाला हूं, ठीक है? हाँ आदि, थैंक यू। इधर देखो, ये कॉपर ए और कॉपर बी फोर्थ वाले में प्रेजेंट है। दो कॉपर के मॉलिक्यूल होते हैं, दो कॉपर के अलग से मॉलिक्यूल होते हैं, कॉपर ए और कॉपर बी फोर्थ वाले में है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बीच में देखो यूबिक्यूनिन, ये देखो यूबिक्यूनिन, यूबिक्यूनॉल, यूबिक्यूनिन, यूबिक्यूनॉल मोबाइल कैरियर है, ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तीसरी चीज, साइटोक्रोम वन और साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी वन और साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में होता है, है ना? बस इतना, ये जो मैंने बता दिया आपको, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। प्रियंका राय सर नॉट विजिबल, मैं बेटा ये है ना, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ में आप जब इसको जूम करके देखोगे आपको एक एक चीज मैंने क्लियर लिखी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर पे। एम्फीबॉलिक पाथवे, ऐसे पाथवे जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है बच्चों और एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, सस्पेंस है। अमूमन यदि आप बात करोगे ना, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल पाथवेज आर एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है? तो एम्फीबॉलिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? एम्फीबॉलिक का मतलब वो हुआ जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म भी हो और एनाबॉलिज्म भी हो, है ना? अब यहां पे क्या है कि जब हम बात करते हैं ना रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में एक चीज हमें देखने को मिली है कि यार रेस्पिरेशन में, ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या दिक्कत है? ओजस्वी हाई, रेस्पिरेशन में क्या दिक्कत है कि यार इसमें ना बहुत सारी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, है ना प्राची? तो जब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं एम्फीबॉलिक, अजय धामी, एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब है बेटा ऐसा पाथवे जिसके अंदर एनाबॉलिज्म भी हो और कैटाबॉलिज्म भी हो। एनाबॉलिज्म का मतलब है कि छोटी छोटी सी चीजों से मिलके बड़ी चीज बने, और कैटाबॉलिज्म का मतलब है बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज छोटी छोटी चीजों में क्या हो जाए? तब्दील हो जाए। क्या ये बात समझ में आ गई है सबको, है ना? तो नेक्स्ट मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर देखो, यहां पर इस वाले जो पूरा जो हमारा रेस्पिरेशन है उसके अंदर एक जगह एसिटिल कोएंजाइम में बनता है, हाँ या ना? बनता है एसिटिल कोएंजाइम में। आपको पता ही है एसिटिल कोएंजाइम में कैरोटीनॉइड, टर्पिन्स और जो गिबरेलिन्स है इनका प्रिकर्सर है। ये आगे जाके
कैरोटीनॉइड टर्पिन और गिबरलिन का फॉर्मेशन करेगा। सक्सिनिल कोएंजाइम है, क्या ये आपने सुना है? बिल्कुल, क्रैब साइकिल में सुना है। ये किसका? ये देखो क्लोरोफिल का प्रिकर्सर है और साइटोक्रोम का भी प्रिकर्सर है। ऐसे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा ना, ये एल्कोलॉइड्स या प्रिमिडिन्स का प्रिकर्सर है। और हमने पढ़ा अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड अमीनो एसिड का सिंथेसिस कर रहा है। देखो कितनी सारी चीजें बन रही है बच्चों, जो आगे जाके नई चीजों का फॉर्मेशन कर रही है। तो एनाबॉलिज्म हो गया ना, कैटाबॉलिज्म तो है ही। चरित मुप्पाना, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी नाउ? या इंटरमीडिएट आर डेफिनेटली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू कंपाउंड्स। एक्चुअली इंटरमीडिएट्स आर द प्रिकर्सर ऑफ न्यू कंपाउंड्स, ठीक है ना बच्चों? चलिए अब आगे बढ़े। चलिए ये एक डायग्राम है, इसको ढंग से समझना है, है ना? बिल्कुल, अब मैं इसको समझाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है ना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, इसका तो सीधा सीधा ये तो बहुत आसानी से क्या होता है, रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ये हमने सब पढ़ लिया है, पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है कि भाई ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बनेगा, DHAP बनेगा, ये DHAP बन गया, यहां पे बन गया ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हुआ ना, ठीक है? और इसके बाद में ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? पायरविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये भी हमने देख लिया, है ना? और ये पायरविक एसिड आगे जाके एसिटिल कोएंजाइम में, और ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये देखो किस किस चीज में, ये क्रैब साइकिल के अंदर ये घूम गया। ये तो हमने शुगर का पढ़ लिया, पढ़ा था ना? लेकिन मैंने ये बताया था प्रोटीन और फैट एकदम से यूज नहीं होते। जैसे प्रोटीन जो है, वो जो ये प्रोटीन है ना बच्चों, ये कन्वर्ट होगा किस में? अमीनो एसिड में। और ये जो अमीनो एसिड है, ये किस में पार्टिसिपेट करेगा मेरे शेरों? ये अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करेगा आपका सीधा कहां पे जुड़ेगा? ये पायरुविक एसिड वाले स्टेप में आ गया। किस तरह से प्रोटीन्स जो है, ये जो आपका पूरा पाथवे एरोबिक पाथवे, इसमें कैसे आ रहा है? दूसरा फैट जो है, मैंने बताया था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कन्वर्ट होता है। ये देखो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये जो ग्लिसरॉल है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है DHAP में। और DHAP आपको पता है किस तरह से कहां पे जुड़ेगा, है ना? नहीं, चरित, नेक्स्ट, फैटी एसिड जो है, ये फैटी एसिड देखो कहां पे जुड़ रहा है, ये फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में, और एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होके इस तरह से ये पार्टिसिपेट करता है कि किस में आ जाता है? एरोबिक पाथवे में। ओके, क्लियर है? ये मैंने, ये एक चार्ट था जिसके अंदर ये बताते हैं कि कैसे इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्म में फैट और प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं एरोबिक पाथवे। ओके बच्चों, आगे नेक्स्ट, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैच्योरिंग जो फैटी एसिड होते हैं उनके अंदर जो RQ की वैल्यू है, देखो कितनी दे रखी है, मोर देन वन है या लेस देन वन है? मोर देन वन। ओके, पहली चीज, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, पेस्चर इफेक्ट क्या होता है, ये देखो जरा ध्यान से सुनना। क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेक्ट है ना, ये देखो जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेक्ट है ना, उसका यूज होना कम हो जाता है। जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेक्ट है उसका यूज होना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और CO2 जो है वो इवॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, एनएरोबिक से किस मोड पे चला जाता है रेस्पिरेशन? एरोबिक में चला जाता है। पेस्चराइजेशन पढ़ा है ना, पेस्चर इफेक्ट। ये पेस्चर इफेक्ट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेक्ट। जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेक्ट है उसका कंजप्शन कम हो जाना, जिसकी वजह से CO2 का इवोल्यूशन बढ़ जाना, और इससे क्या होता है, जो एनएरोबिक पाथवे है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एरोबिक पाथवे में बच्चों कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह का ये जो कन्वर्जन है, इसी को तो हम कह रहे हैं पेस्चर इफेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट, ओके, थैंक्स अ लॉट, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकली मगअप करने का ज्यादा है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर लेंगे बच्चों, वो लेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में बात, बिल्कुल क्विज के बारे में, बिल्कुल शिव कुमार, आप लोग बताइए कौन से चैप्टर का मैं क्विज लूं, आप लोग बताइए किस चैप्टर का मैं क्विज लूं, मैं उसी का क्विज ले लूंगा, आप लोग बता दो।
आप लोग बताओ। और दूसरी चीज़ ये चैप्टर अच्छी तरह मगअप, जो जो चीज़ें याद करने की है वो अच्छी तरह बना बना के। अंकित कुमार सलाम ठोकता हूँ बेटा आपको, जेनेटिक्स तो हम करवा चुके हैं शायद, है ना। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। जेनेटिक्स अंकित, जेनेटिक्स नहीं कराई है मैंने। आईश्योर बिल्कुल ओके सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल आप लोग कर लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस डॉक्टर जे, अरे यार मैं हाँ टेस्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं शिव कुमार कंबाइन नहीं करेंगे, तो एक काम करते हैं हम लोग टेस्ट लेते हैं अब जेनेटिक्स का। ओके डन, तो जेनेटिक्स का टेस्ट है हमारा। और जेनेटिक्स का जो टेस्ट है बच्चों, कार्तिका गुप्ता किस चीज़ का बोरिंग हो गया बेटा, है ना। जेनेटिक्स का जो टेस्ट है वो मैं लूँगा वही वेडनेसडे, ठीक है। ओके चलिए फिर मिलते हैं, और अगली बार से ध्यान रखिएगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आज सिर्फ 47-50 बच्चे थे, अभी 47 ही बच्चे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाइए क्लास की, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी उतना ज़्यादा बिल्कुल चरित, बिल्कुल ओके। सोनूराज बाय बाय बाय। इशिका ओ माय गॉड क्या हो गया, इशिता क्या प्रॉब्लम हो गई। के बी बाय सर टेस्ट कब है यार, ये हम वेडनेसडे को जो हमारा डेट डिसाइड है, डेट डिसाइड है उस पर लेंगे, ठीक है। बाकी मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इस ज़िंदगी को खुश होके जिया कीजिए। क्योंकि यदि आप खुश नहीं रहोगे ना तो आपसे पढ़ाई नहीं होगी, और पढ़ाई नहीं होगी तो सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। एक छोटा बच्चा, एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती है, किसी तरह का कोई दुख नहीं होता है। लेकिन जब एक बच्चा पढ़ने वाले बच्चे से पूछा जाता है कि ज़िंदगी में एक चीज़ जो वो हटाना चाहता है अपनी लाइफ से, तो वो होती है पढ़ाई। बट आप मेरी एज में जब तक आएंगे, जब तक आप नौकरी करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि टेस्ट देने का जो मज़ा है ना ज़िंदगी में, वो कभी नहीं आएगा वापस। इसीलिए इन टेस्टों को बिंदास होके खुश होके दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर एक दिन ऐसा आएगा जब आप इन टेस्टों के लिए तरसेंगे, काश कोई टेस्ट मैं भी दूँ, इस तरह से लिखूँ, उस तरह से लिखूँ। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, होगा वही जो आपकी किस्मत में लिखा। और एक बात, लास्ट बात आज मैं कहूँगा आप लोगों को, कि समुंदर को शांत देखकर ये मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं, हम उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं। सलाम वालेकुम, नमस्ते, अब मिलते हैं, बिल्कुल गुड नाइट अगली बार।